नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन, है ना, एससी वर्मा का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्या बोला, फाइंड द एक्सेलरेशन ए वन ए टू ए थ्री ऑफ द थ्री ब्लॉक शोन इन द फिगर इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए में 2 kg, बी में 3 kg एंड सी में 7 kg। टेक सी इक्वल टू इतना। और अभी आप देखो 22 में आपने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम किया था, है ना, इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे आ गया ये 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। तो अगर वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर थोड़ा नहीं भी हुआ होगा तो यहाँ पे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फंडा वही है, सेम है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 22 में फंडा अप्लाई किया था वही फंडा यहाँ भी अप्लाई करेंगे। बस यही है कि वहाँ पे 1 ब्लॉक था, है ना, 2 ब्लॉक था, यहाँ पे कितने, 3 ब्लॉक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो लास्ट में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, है ना, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले आते हैं। अब देखो इस तरह का जब भी सिचुएशन है ना, तो देखो हेल्प आपको कौन करता है, आपको हिंट पता चल गया होगा। इसके पहले वाले सवाल में हेल्प कौन किया था बेटा, तो लिमिटिंग, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वही हेल्प करता है, क्योंकि यही जो है पता करता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। अगर वो सिर्फ फ्रिक्शन से चल रहा है तो इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है जिससे वो चल सकता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, जो भी सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन है उसका सबसे पहले क्या करो, आप FL निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट FL निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो FL बेटा पहले वाले के लिए कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कौन बताएगा कितना होगा, सर इसके लिए एन की वैल्यू कितना होगा, 20। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ये आपको आता है, क्योंकि जब आप 3 ब्लॉक प्रॉब्लम कर रहे हो तो ये सब सिंपल चीज़ें। तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितना हो गया बेटा, एन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20, और म्यू की वैल्यू तो दिया हुआ है 0.2, है ना, तो 0.2 × 20 कितना आ जाएगा, 4। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है, एफ मैक्स लिमिटिंग जो है वो इतना आ गया, किसके लिए, ये वाले सरफेस के लिए, 2 और 3 वाले के लिए। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन दिया है क्या, हाँ दिया है, 0.3 दिया है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं म्यू इंटू एन, म्यू कितना बेटा, 0.3, ठीक है, इंटू एन, एन कौन बताएगा, सिंपल है सर, पूरे को सिस्टम मान लो, डायरेक्ट एन निकाल लो, 3 और 2 5 कितना आ जाएगा, 50। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, यहाँ पे मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, है ना, ये आप खुद से कैलकुलेट करो। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 15। तो सेकंड वाला जो ये FL1 है ये 4 आ गया, और FL2 जो है वो कितना आ गया बेटा, FL2 जो आ गया वो 15 आ गया। अब ये पता चल गया कि मैक्सिमम कितना लग सकता है। नीचे वाला तो सर 0 दिया, नीचे वाले की निकालने की जरूरत नहीं, चलो ठीक। अब देखो फोर्स किस पे लगाया बेटा, 2 kg वाले पे पहले लगा दो, कितना लगाया, 10 न्यूटन का। चलो अब ध्यान देना है कि ये हो गया आपका 732, 2 kg वाले पे मैंने कितना लगाया बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब आपको बताया है कि लिमिटिंग से चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, तो जैसा बताया था, सबसे पहले तो मान लो क्या कि साथ साथ चल रहा है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में किया था, साथ साथ चल रहा है सर, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, साथ साथ का मतलब ये पूरा एक ही है ना, तो साथ साथ चल रहा है तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, नेट फोर्स, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास कितना, 732, 7 × 3 = 12, तो ये कितना आ गया, 5/6, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, साथ साथ चलने की रिक्वायरमेंट यही है कि एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए, ठीक है। अब वेरीफाई करो, वेरीफाई किससे करोगे, तो वेरीफाई करने के लिए एक तो ये है, एक तो ये है ना, तो पहले आ जाते हैं, मान लो वेरीफाई करते हैं, साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो साथ साथ चल रहा है इसका मतलब ये 3 और 7 भी साथ साथ चल रहे होंगे, आंसर ये है ना, तो अब इसको वेरीफाई करना है ना। अब वेरीफाई देखो अलग अलग करके भी कर सकते हैं ना, या एक साथ करके भी कर सकते हैं ना, तो मैं क्या मान लेता हूँ, पहले 3 और 7 को एक साथ मान लेता हूँ, है ना,
और इसको मान लेता हूँ कितना 10। तो देखो ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम की तरह हो गया, मतलब आपने क्या मान ली, ये पूरा एक एक ऑब्जेक्ट और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जो इसके पहले क्वेश्चन किया था हमने, है ना। तो इस तरह से मान के कर सकते हो, साथ साथ कर लिया पहले, अब फिर इस पर वेरीफाई कर लिया। अब ऐसे करने से क्या होगा कि अब देखो यहाँ वाला जो फ्रिक्शन है ना, इसके साथ आपको डील नहीं करना पड़ेगा, यहाँ वाला फ्रिक्शन से काम चल जाएगा मेरा, है ना। वेरिफिकेशन हो जाएगा कि साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए सिर्फ टू ब्लॉक प्रॉब्लम के जैसा ही मान के हम लोग कर सकते हैं। तो बताओ बेटा इस पर फ्रिक्शन किधर लेगा, जैसे यहाँ पे देखो इसको खींच रहे राइट की साइड की तरफ, तो इसकी टेंडेंसी है राइट जाने की, तो ये लगाएगा इसको खींचेगा पीछे की तरफ, तो टू वाले पे फ्रिक्शन पीछे, तो बदले में थ्री वाले पे फ्रिक्शन किधर, आगे की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। अब वेरीफाई करना है कि यार ये मैक्सिमम कितना से चल सकता है, अगर साथ साथ चल रहा है तो ये मैक्सिमम कितना चल सकता है। तो आप सोचो कि ये जो वैल्यू जो निकाला है आपने, मैक्सिमम कितना निकाला है, 4, ये दोनों सरफेस के लिए। देखो यहाँ पर वेरीफाई करो, इस वाले सरफेस के लिए कितना लगा, ये तो सर कंबाइन कर लिया तो इससे अभी कोई मतलब ही नहीं है मुझे, अभी इसका काम चल रहा है 4, तो मैक्सिमम 4 लग सकता है सर, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बेटा, सोचो 4/10 दैट इज इक्वल टू 0.4, और जबकि ऊपर में कितना है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर में आप निकालोगे तो ये लगभग आएगा 6 से 6 48, 0.8 समथिंग आएगा, और ये आ रहा है 0.4। तो कॉमन में बोल रहा था कि 0.8 से चलेगा लगभग, है ना, और ये बोल रहा है कितना कि 0.4 से चल ही सकता है, तो क्या साथ साथ चलेगा क्या, आंसर इज नो। तो इससे पता चल गया कि साथ साथ नहीं चलने वाला है, क्लियर है। तो ये सिचुएशन पहले क्लियर होना चाहिए, मतलब साथ साथ नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ से कांटेक्ट तो ब्रेक हो ही जाएगा। अब ये दोनों साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये नहीं पता हमको, लेकिन इतना तो पता है कि ये और ये अलग अलग चल रहा है, तो बस सिंपल सा बात है। अब इतना पता चल गया ना अलग अलग चल रहा है, तो बस अब टू वाले का निकालना है तो निकाल लो। टू वाले का तो बेटा 10 आगे की तरफ लगा दिया तुमने, अब अलग अलग चल रहा है तो कौन सा, काइनेटिक, ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक लगेगा सर, और काइनेटिक की वैल्यू लिमिटिंग के बराबर ही होगी जो कि आपने पहले निकाल रखा है, कितना 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो एजम्पशन था रॉन्ग एजम्पशन हो गया ना, साथ साथ जो माना था, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम 0.4 से ही ले जा सकता है यार, अब की बोल रहा है 0.8, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब अलग अलग का एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, तो अलग अलग का निकाल रहे हैं, तो ये 10 लग रहा, अब काइनेटिक ही लगेगा और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो अब एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स ही 10 - 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 6/2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 m/s². तो ये आ गया एक्सेलेरेशन 2 kg वाले का, पहला केस में एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, ठीक है। अब आते हैं 3 kg वाले ब्लॉक पे, सिमिलरली 3 kg वाले ब्लॉक पे आते हैं, 3 and 7 वाले पे, 3 and 7, अब सोचो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है बेटा, 4, तो इसका तो कैलकुलेशन ऑलरेडी आपने कर लिया कि अगर ये 4 लग रहा है, और यहाँ पे फिर से आपको एजम्पशन लेना होगा, फिर से मैं मान लेता हूँ क्या कि दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो साथ साथ नहीं चल रहा था तो अलग कर दिया, अब अलग होने के बावजूद अब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों को कौन ले जा रहा होगा, ऑब्वियसली ये वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो कॉमन एक्सेलेरेशन कितना आना चाहिए। अब ये दोनों से एजम्पशन मान लिया, फिर से मन ही मन करते जाना ये सारा, एजम्पशन कितना गया, तो आंसर इज 4/10 दैट इज इक्वल टू 0.4, क्लियर है। अब ये फिर से टू ब्लॉक प्रॉब्लम ही हो गया। अब ऐसा मानो सिंपल, अब सिंपल का क्वेश्चन गया, पहले क्या था देख लो, पहले क्या था, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम था, तो इसको 2 ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट किया, जिसपे फोर्स लग रहा है उसको अलग हटा दिया, जिसपे फोर्स नहीं लगा रहा उसको अलग हटा लिया, तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया, तो पता चल गया कि साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे ही अलग हो गया, अब फिर से अगेन 2 ब्लॉक प्रॉब्लम गया। अब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है, 4 न्यूटन, जैसे ऊपर में 10 न्यूटन लगाया था ना, उसी तरह से मान लो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है, 4 न्यूटन। तो पहले कॉमन एक्सेलेरेशन निकाल लो और फिर वेरीफाई कर लो। अब वेरीफाई किससे करोगे, लेकिन
तो आप वेरीफाई सेवन वाले से करोगे, क्लियर है। आप सोचो ये दोनों में, ये दोनों में सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसकी टेंडेंसी सबसे पहले इधर जाने की, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा पीछे, तो बदले में इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे, तो सेवन वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे, क्लियर है। तो आपने पहले तो मान लिया साथ साथ चल रहा है, अब वेरीफाई भी तो करना होगा ना जैसे पहले करते थे, तो वेरीफाई कर लो। वेरीफाई किससे करोगे, इसका लिमिटिंग से, इसका लिमिटिंग कितना है लेकिन 15, तो इससे पता चल जाएगा कि इसका मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये सेवन वाले मैक्सिमम कितना जा सकता है, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई टोटल मास 7, दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। मतलब ये मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, तो क्या 0.4 पॉसिबल है? आंसर इज यस, 2 से मैक्सिमम जा सकता है। बोला कि 2 तक हम साथ देंगे, आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लो हम 2 तक अलग होने नहीं देंगे। बोला ठीक है भाई, बोला कि हम तो 2 तक नहीं ले जा रहे भाई साहब, आपको तो 0.4 तक ही ले जा रहे, तो क्या आप साथ चलोगे? तो बोला हाँ चलेंगे। तो दैट मीन्स से ये वेरीफाई हो गया कि यहाँ पे दोनों साथ साथ चलेंगे, फिर तक कॉमन एक्सेलरेशन 0.4, एंड 2 वाला क्या होगा, अलग अलग चलेगा, अलग से चलेगा। आई होप कि पूरा सिचुएशन आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सेपरेट वीडियो बना के डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अभी तो एक ही पे फोर्स लग रहा है ना, अब 2 पे लगा दे फोर्स तो क्या होगा, 3 पे फोर्स लगा दे तो क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए पहला सिचुएशन हो गया, दूसरा में क्या बोला बेटा, 3 kg वाले पे। अब 3 सिचुएशन है, अब मैं बस हिंट दूंगा आपको करना है। तो अब बीच वाले पे लगाया यार, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 10 न्यूटन लगाया इस पे, ठीक है। अब देख बेटा, पहले ही मैं चेक कर लेता हूँ, पहले तो कॉमन निकाल ले, कॉमन तो वही आएगा सर, कॉमन कितना आएगा बेटा, नेट फोर्स 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास 12, 5/6 ही आएगा कॉमन। मतलब ये मैंने लेट माना कि कॉमन से चल रहा था, 5/6 से। अब वेरीफाई करो, वेरीफाई किससे करोगे, ऊपर वाले से करना आसान होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले को तो सिर्फ फ्रिक्शन ही ले जा रहा होगा ना। ऊपर वाले पे चेक कर लो कि साथ चल रहा है कि नहीं, फ्रिक्शन ले जा रहा होगा। मैक्सिमम कितना ले जा सकता है ऊपर वाले का, 4, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो 4 है, लिमिटिंग। ये दोनों का कितना है, 15 है, तो निकाल लो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन हो सकता है 4 / 2, दैट इज इक्वल टू 2। बोला कि भाई 2 तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बोला कि 2 नहीं, मैं 5/6 मतलब 0 पॉइंट समथिंग से ही ले चल रहा हूँ, क्या आप साथ चलोगे? तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, चल सकता हूँ मैं, तो इसका मतलब 2 तो साथ है इसके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 वाले का वेरीफाई कर लेता हूँ, 7 वाले पे बेटा फ्रिक्शन किधर लगेगा, सोचो ये आगे की तरफ जाना चाह रहा है, तो 7 वाले इस पे पीछे लगाएगा, तो बदले में ये 7 वाले पे किधर लगाएगा, आगे, ठीक है, 7 वाले पे आगे लग रहा है फ्रिक्शन। वेरीफाई करना है, लिमिटिंग लगा के वेरीफाई करो कि कितना मैक्सिमम ये चल सकता है। इसका लिमिटिंग कितना है, 15, इसका एमैक्स निकाल लो, ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, 2 पॉइंट समथिंग आया था। इसका मैक्सिमम कितना आ जाएगा बेटा, 15.15/7, ये कितना है, 2 पॉइंट समथिंग। तो ये पूछ रहा है कि भाई साहब क्या तुम साथ चले, बोला हाँ। पूछ रहा है कि क्या तुम साथ चलोगे, बोला कि हाँ हम 2 पॉइंट समथिंग तक साथ चलेंगे भाई साहब। आप कितना से ले जा रहे हो, बोला मैं तो सिर्फ इतना से ले, बोला ठीक है साथ चलूंगा, है ना। मतलब सबसे पहले साथ कौन छोड़ेगा, सबसे पहले साथ ये छोड़ेगा, देखो इसका एक्सेलरेशन कम है, ठीक है। तो इस पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही बन सकते, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे इससे कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कि तीनों क्या चलेगा, साथ चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन है 2 से जैसे ही एक्सीड करेगा, ये साथ छोड़ देगा। मान लो फोर्स की वैल्यू बढ़ाओ 20 करो, तो 20/12, तो अभी भी 2 से क्या है, कम है। मान लो ये 24/12, तो 2 आ गया, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है। अब जैसे ही 25 करोगे ना, 25/12, ये साथ छोड़ दिया, मगर ये साथ अभी भी है। बोले नहीं भाई साहब, मैं 2 पॉइंट समथिंग हुआ, अभी भी ये अभी भी साथ है, मतलब ये दोनों साथ चलेगा, फिर ये अलग अलग। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। तो मैं ये वाला सॉल्यूशन यहीं पे छोड़ रहा हूँ, पार्ट बी का। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि क्यों साथ साथ चलेगा तीनों। पार्ट सी में बेटा आप खुद से करके देखो, वैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 7 वाले पे लगाया है,
सेवन वाले पे लगाया कितना, 10 न्यूटन का, 7 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 2 हो गया। सर कॉमन पहले निकाल लिया, कॉमन बेटा तो वही आएगा 10 बाई कितना 12, दैट इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, मतलब ये मैंने माना कि इतना। वेरीफाई करो। वेरीफाई किया, सबसे पहले बेटा किससे वेरीफाई कर लो, इससे, ये दोनों को एक साथ मान लो, है ना। जब भी इस तरह का बताया था तो क्या करना है, दोनों को एक साथ मान लो। तो दोनों को एक साथ मान के वेरीफाई कर लो, ये 3 2 5, ठीक है। तो इस पे जो 5 मान लिया, तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा मैक्सिमम, ये वाला कितना लग रहा होगा, लिमिटिंग 15 का रहा होगा। आगे क्यों लगाया ये आप खुद से चेक करो, क्यों लगाया आगे, क्योंकि ये जाना चाह रहा है इधर की तरफ, है ना। तो बदले में ये वाला जो सरफेस, इसको रोकेगा तो किधर लगाएगा, ये वाला सरफेस इस पे पीछे लगाएगा, तो बदले में ये वाला सरफेस इस पे आगे की तरफ लगाएगा 3 वाले पे, ठीक है। तो अब मैंने मान लिया क्या, ठीक है, दोनों का साथ साथ है 15। तो दोनों का साथ साथ चलने के लिए बेटा कॉमन एक्सेलरेशन जो है वो कितना आएगा, 2 और 3 वाले का मैं निकाल रहा हूँ। 2 और 3 को साथ साथ मैक्सिमम कितना तक साथ दे सकता है, तो 15 डिवाइडेड बाई 5, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बोला कि भाई साहब मैं तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक साथ नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों भाई भाई हैं। बोला ठीक है। बोला कितना तक ले जा रहे हो आप, बोला 5/6 से, क्या साथ चलोगे, बोला हाँ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी तीनों का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन अलग अलग किस में आया, सिर्फ अलग अलग सिर्फ आया किस में, पार्ट ए में, उसमें भी एक का अलग आया, बाकी दो का सेम आया, इसमें तीनों का सेम, इसमें भी तीनों का सेम। आई होप कि पूरी सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। अप्रोच करने में हेल्प कौन करता है, लिमिटिंग ऑलवेज। कभी भी अगर दो फ्रिक्शन लगे ना, जैसे मान लो अगर सिर्फ 3 वाले पे अप्रोच करना है, तो यार 3 का सिर्फ बनाओगे ना तो 2 फ्रिक्शन लग जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश क्या करता हूँ कि एक फ्रिक्शन को गायब करो, एक फ्रिक्शन को गायब करने से क्या होता है ना, पता चल जाता थोड़ा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये तो आ गया दोनों का साथ साथ मान के कितना आ गया बेटा 5। ये मतलब ये दोनों को कॉमन मान लिया, तो ये कितना तक बोला, अच्छा ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है, क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अभी तो देखो आपने क्या माना था, तीनों कॉमन चल रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है 5/6 से, ठीक है। तो अब वेरीफाई करने की बारी आई, तो इसको अलग कर दिया, तो ये 3 और 2 5 हो गया, इसको अलग कर दिया। तो इसको अलग कर दिया मतलब कॉमन एक्सेलरेशन कितना चल सकता है, 3 से, तो इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो अब ऊपर वाले पे भी वेरीफाई कर सकते हो आप, ऊपर वाले पे अगर वेरीफाई करोगे तो मैक्सिमम कितना है बेटा, ऊपर वाले पे 4 लग सकता है ना मैक्सिमम फ्रिक्शन, और ये 2 है, तो ऊपर वाला का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ तो ऊपर वाले का 2 आ रहा है ना, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, 2 इज मच मच ग्रेटर देन व्हाट, 5/6। एंड ये नीचे वाले बीच वाले का कितना आ रहा है, 3, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के साथ।